जिक्र कंदासीं खैरपुर वेझो घर अंदर मुबैना गोली लगण सबब औरत मारजी वई गोठ पटड़ी में नौजवान औरत जमीला जागीरानी घर अंदर गोली लगण सबब हयाती विञाए वेठी। वाके बाद औरत के सिविल अस्पताल खैरपुर मुंतकिल कयो वियो जिते डॉक्टर संदस फौतियन जी तस्दीक कई। मकतूला जी माउ शेरबानू बुधायो त संदस धीअ खे मुड़ुस बेगुनाह कतल कयो। इलाइक़े में चौबो लाइन त औरत जमीला जागीरानी मुड़ुस जे तशद्दुद खां तंग थी पाण खे गोली हणी आपघात कयो। खैरपुर में रेलवे स्टेशन भरसा अणॼातल शख्स जो लाश हथ आयो। बी सेक्शन थाने की हद रेलवे स्टेशन भरसा होटल के स्टूल से शहरियन लाश के डिसी पुलिस के इतला दिनों। पुलिस वाके वारे हंध पहुंची लाश के तहवील में वठी जरूरी कार्रवाई लाए सिविल अस्पताल खैरपुर मुंतकिल कर छो। पुलिस मूजिब लाश की सुणप न थी सकी है। लाश के सिविल अस्पताल के मुर्दा खाने में रखे वो है। दरियाखान मरी में भित किरण सब नौजवान दबजी फोती वे। कुछ डी अग घर में सुतल नौजवान सदाम मलाह मथा घर की दीवार किरण सबब सख्त जख्मी थी पो। नौजवान जो नवाब शाह अस्पताल में इलाज हलंदड़ हो जिते जख्म की सट न सेंदे दमदणी हवाले कर। अस्पताल में जरूरी कार्रवाई बाद नौजवान सदाम मलाह जो मड़ वारसन हवाले कर। नौजवान जो लाश संदस घर पहुंचने घर में कोराम मची वो। जिक्र कंदासीं बलोचिस्तान जे ज़िले सिबी में बरसाती बोड वैन के लोड़े वही है जैं नतीजे में पंज जणा फौत ब जख्मी थी पया। पीडीए में मूजिब सिबी के इलाकन ककड़ मंडी में वैन बरसाती बोड में लुढ़ी वही जैं नतीजे में पंज जणा फौत थी पया। वैन में बारन समेत पंद्रह का वधीक मानू सवार हुआ। फौतिन में चार औरतूँ एक छोकरी शामिल है जिन्हें दहन जणन के बचाया वो। हादसे में ब जणा जख्मी भी थी पया। रिस्क के जरिए मूजिब फौतियों जहाँ लाश ए जख्मियों के वेझे अस्पताल मुंतकिल वो है। बे तरफ बलोचिस्तान के मुख्तलिफ जिलों में बरसात का बोड वारी सूरताल बरकरार है। उत्तर ओभर बलोचिस्तान में अज वधीक बरसात की अक थी कई वही है। बलोचिस्तान के सरहदी जिलों डीजी खान ए डीआई खान में फ्लड वार्निंग जारी की है। फैज़गंज में कुकड़न जो मेलू शुरू थियण ते लखें रुपये की जुआ शुरू थी वही है। फैज़गंज थाने की हद में कुकड़न जो मेलू शुरू थी वही। कुकड़न की मेल में खपतियन लखें रुपये की जुआ रखी कारोबार शुरू कर छो। जुआ शुरू थियण सबब नौजवान नस्ल तबाह थियण लगो है। कुकड़न की मेल में मुख्तलिफ़ किस्म के मंशात जो विक्रो भी सरेआम हली रो। गोठान जो चवण है तो फैज़गंज पुलिस कुकड़न की मेल के रोकण बदरा गरी रिश्वत वठी कर कुकड़न की मेल की इजाजत दई छी है। बे पास फैज़गंज के SHO बशीर भैयो का मौके वठण की कोशिश कई हुई पर उन मौकफ़ दियण बदरा धमकियों दियण की कोशिश कई। समाजी तनजीमन के अगवान राबतो करते बुधाया तो फैज़गंज तालके में मंशात कुकड़न जो मेलों मोटरसाइकिल फुरन की वारदात में इजाफो थी पो। गोसपुर में गुजर रात मुबैना पुलिस मुकाबले में मारजी वाले डोहारी घनी उगाही जो केस 13 जणा खिलाफ दाखिल कर। रात देर से गोठ बसर उगाही वाले इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबले में मारजी वाल डोहारी घनी उगाही के कतल जो केस सरकार पारा उगाही बिरादरी के नौ जणा खिलाफ गोसपुर थाने ते दाखिल कर। केस में डोहारी में नसीर उगाही बशीर एहसान मंजूर लुकमान अब्दुल सतार कश्मीर समेत 13 जणा ते केस दाखिल कर। बे पास पुलिस कें अणवणंदड़ वाक्य के मोहन दियण लाइ मारजी वाल डोहारी के गोठ अली बख्श उगाही के सुबह का कड़ो चाड़े बख्तरबंद गाड़ियों वड़ी नफरी बिहारे छी। सिंध नेशनल पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन रमजान बुलेदी चयो आए थे सिंधु के सुकायण बंद करे पानी डई सिंध के सरसब्ज शादाब कयो वने। सिंध में धारियों की आबादकारी के रोके धरती धनिन के सरकारी रोजगार फराम कया वे। कराची के लासी गोठ में एहतजाजी रैली के खिताब कदे रमजान बुलेदी चयो तो सिंध में पानी की खोट सबब जमीनू बंजर बन जी वन पीण लाय भी पानी ना जानवर भी उं पाया मरन। सिंध में पानी की अतराध खोट पैदा कर सिंध के जरखेज सरजमीन के बंजर बनाने की साजिश थी रही है जै साजिश के कें भी सूरत में बर्दाश्त न कयो वेंदो। उन वधीक चयो तो सिंध में धारी आबादकारी के रोके धरती धड़न के रोजगार फराम कयो वे। सिंध में अफगान पनाहगीरन समेत गैर मुल्की बाशिंदन के सिंध में फौरी तौर निकाली दिनी वे। असा हुक्मरानन के अपील था करूँ तो अमुन की धरती में रहंदड़ सिंध के मानू ते रहम कयो वे। सिंध के सभी शहरों के दहशतगर्दी का निजात दियारी वे। रैली के कराची डिवीजन के अगवान मुमताज मलाणू जिले ओलह सदर न्याज बुलेदी मुमताज तुंडियो जमीर चांडियो हारून सिंधी उमेद अली चांडियो बन अगवान पिण खिताब कर। खैरपुर में पने आखल के रहवासी औरत मुड़स समेत एहतजाज कदे संदस मुड़स की अगवाणी अगूणे घरवारी तशद्दुद जो निशानो बणायो। गोठ सूमर डखण के रहवासन समीना खातून पंजे
मुड़स मोहम्मद तगियल सुमरो से गड़ी खैरपुर पहुंची एहतजाजी मुजाहरों कयो। उन मौके से समीना साफिन से गालंदे चयो त एक हफ्तो अग मोहम्मद तगियल जी वडी घरवारी पंजे पुटन शोएब सोहेल सुमरो ए बेन से गड़ी मथन कातलानो हमलो करे सख्त तशद्दुद जो निशानो बनाए मथे जा वार पटे तजलील जो निशानो बनाए घर मां बाहर कढ़ी छड्यो। उन चयो त हु जख्मी हालत में बायजी थाने ते जवाबदार खिलाफ फरियाद खणी वया पर थाने जे वडे मुंशी ए पुलिस अमलदारन को तदारुक करण बदरा धड़का ए दाबा दई मोटाए छड्यो जे बाद हु दरबदरी वारी जिंदगी गुजारण ते मजबूर है। जमाल शाह भरसा गोठान पारा पबजो माइनर मथा पुल न ठहण खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों कयो। गोठ बुगरो खान रिंद जे रहवासिन माशूक रिंद इमदाद अली रिंद की अगवाणी में पबजो माइनर मथा पुल न ठहण खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों कयो। उन मौके ते अगवाणन चयो त संदन बुगरो खान रिंद के बेन गोठन से मिलाईंदर मेन पुल ठेकेदार पारा गरियो गाड़ियों छड़न करे टोड़ी वही है। उन्होंने चयो त शाख मथा चार पुलू मंजूर थियल जैमा एक भी न ठाई वही है। पुछाणू करते बासर ठेकेदार धमकियों दई रो अगवाणन मुतालबो किया तो शाख मथा पुल तामीर कराए परेशानी का बचाए वे बी सूरत में एहतजाज जो दायरों वधायो वेंदो। थुल में यूसी बचड़ो जो पोलिंग स्टेशन तब्दील करने खिलाफ उम्मीदवार ने गोठान जो पारा एहतजाजी मुजाहरों कर यूसी बचड़ो जे उम्मीदवार ने गोठान एहतजाजी मुजाहरों कर नारेबाजी कई। उम्मीदवार एहतजाज कहते दायवत पोलिंग स्टेशन तब्दील करण खेन इलेक्शन ढड़े मुश्किल में विझी छो है। गोठान घुर कया पोलिंग स्टेशन वापस कर गोठान उम्मीदवार से इंसाफ कर वे। सिंध के मुहाणन पानी और बेटन लाए जदोजहद कदड़ पाकिस्तान फिशर फोक फोरम शेबानी सैयद मोहम्मद अली शाह की याद में मकली में मेड़ाको कोठाए वो। तकरीब के सैयद मोहम्मद अली शाह की न्याणी यासमीन शाह लेखक पानी माहिर इंजीनियर ओभायो खुश्क कौमी अवामी तहरीक के मुनवर भुट्टो साफी अहमद खुश्क फैद कन्नाणी मीर मोहम्मद बलोच बेन खिताब कर। अगवान मोहम्मद अली शाह मोहाणन पानी की जिदोजहद जो अहम किरदार रो है। उन सजी जमाल मिस्किन धरती के मालिकी की जंग कई। संदस ख्वाहिश हुई तो सिंध जो माहिगीर खुशहाल सिंधु में छोलू हुजन। उन्होंने मोहम्मद अली शाह सादी तबियत वो फकीर वंश इंसान हो जै सदाई मिस्किन के अग्या आने उन अगवाणी दिनी तो जी हू पैं हकन की जिदोजहद करने के लिए बणजी सकन। गंबर जो लेखक सीनियर सहाफ़ी जेरे के जे मूजी मर्ज में मुब्तला हुजन सबब ला रण करे वे। शायर लेखक सीनियर सहाफ़ी इद्रीस आजिज अब्बासी जेरे के जे मूजी मर्ज सबब अचानक तबियत खराब थियन करे 45 वर की जमार में लाडाणू करे वो। मरहूम के गुजर ढी तबियत खराब थियन करे गंबर की गिम्स अस्पताल में इलाज ला एमरजेंसी वार्ड ICU में दाखिल किया वो। संदस लाडाणे से सहाफ़ी बिरादरी शायरन अदीबन पारा दुख जो इजहार किया वो है। सीनियर सहाफ़ी इद्रीस आजिज अब्बासी की जनाज निबास सुबह पैं अबाणे गोठ कायम दीन कलोड़ों में अदा कई वेंदी।